YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के पीपरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को प्रखंड स्तरीय जनता दरबार लगा। जनता दरबार में प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों के पीएम आवास योजना, कृषि पेंशन, जाति आय प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं में से कुछ का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया, जबकि शेष समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। बीडीओ देवेंद्र कुमार ने कहा कि जनता के समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान के लिए ही जनता दरबार का आयोजन किया गया है। वहीं प्रखंड बीसूत्री अध्यक्ष श्रीराम शर्मा ने कहा कि जनता दरबार में ग्रामीणों को निसंकोच होकर अपनी बातों को रखने की जरूरत है, जबकि बाद में प्रखंड सभागार में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बीडीओ श्री कुमार ने बताया कि 2016-17 से लेकर 2018-19 तक प्रखंड में 1302 पीएम आवास का निर्माण हो रहा है, जिसमें सभी आवास के लाभुकों को 15 जनवरी 2019 तक हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने बताया कि 3 दर्जन विद्यालय पारा शिक्षकों की हड़ताल से प्रभावित है। वहीं बीसीओ अभय कुमार सिंह ने बताया कि पैक्स के माध्यम से गेहूं बीज का वितरण किया जा रहा है। बीएओ ज्योति रंजन ने कहा कि किसानों को 100% अनुदान पर चना व मसूर का बीज वितरण शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर जीप प्रतिनिधि संदीप पासवान, मुखिया मीना देवी सहित कई लोग उपस्थित थे।